ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मेरे को कुछ कंडीशन सेट करनी है, कंडीशन मतलब समझ रहे हो, अगर अगर ये हो तो ये हो, अगर ठीक है मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर अगर तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स आया अगर मार्क्स तुम्हारा एग्जाम में आया 80%, तो तुमको मैं ए ग्रेड दूंगा, या तुमको मैं चॉकलेट दूंगा, या तुमको मैं मोबाइल ला के दूंगा, ठीक है। अगर नहीं, अगर या तो तुम्हारा 80 के ऊपर आया, तो अगर तुम्हारा 70 के नीचे आया और 60 तक आया अगर तुम्हारा, तो तुमको मैं कुछ और गिफ्ट दूंगा, कम एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा। ये मेरी कुछ कंडीशन हुई ना, जैसे अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि अगर आप अच्छा, अगर तुम अच्छा मार्क्स लाए एग्जाम में तो तुमको मैं मोबाइल दिला दूं, आपकी मम्मी ने बोला, तो मम्मी क्या कर रही है, अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया तो, वो एक कंडीशन लगा रही है, अगर इफ, ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी, समझ रहे हो ना बात को मेरी, क्या बोलना चाहता हूँ, कंडीशन कुछ है, इफ अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टेट, उसके लिए एक कोड होता है, उसके लिए स्टेटमेंट होता है, बेसिकली कीवर्ड बोलते हैं इसे, इफ, ठीक है। इफ के अंदर ये ब्रैकेट है, हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन क्या भी हो, क्या हो सकती है कि आपको जो जिस तरह की भी कंडीशन हो वहां पे कंडीशन लिख सकते हो, बहुत सारी कंडीशन होती है। क्या चेक कर रहे हो कि आप, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपका मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ, लेट से इंट मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू 80, तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ क्या, अगर आपका मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 है तभी आपको गिफ्ट मिलेगा ना, है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 80, समझ में आ रहा है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो ये मैं क्या करना है, इस बॉडी के अंदर मेरे को लिखना है, तभी मैं आपको क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो मैं दे यहाँ पे प्रिंट कर दिया समथिंग, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, ओके, ठीक है। अब मेरा मार्क्स अगर 80 या 80 के अबव हुआ तो यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट है, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने यही लिख दिया है, मार्क्स आपको 80 के अबव हुआ, आपका मार्क्स 80 है, तो आपको क्या लगता है, क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या प्रिंट करना चाहिए इसे? हाँ ठीक है, अब मैं लिखूं 75, तब क्या आना चाहिए? सर नहीं प्रिंट करेगा, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये जो बॉडी लिखा है मैंने, ये इसकी कंडीशन के लिए, यहाँ पे अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन मेरी सही हो गई, तभी ये मेरा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर सही नहीं हुई तो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर सही नहीं हुई उसके लिए एक कंडीशन और है, एल्स, इफ और एल्स, ठीक है। अगर मेरा ये कोड सही हुआ तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं सही हुई, ये कंडीशन मेरी अगर फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट करेगा मेरा, ठीक है, समझ गए। अगर आपका कंडीशन सही हो गया, लेट्स से अगर आपका यहाँ पे 80 है, तो अगर आपका कंडीशन सही हो गया तो आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, एल्स पार्ट के अंदर आएगा नहीं, ये एल्स इसको करस्पॉन्ड, इसके इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ये एल्स इसको बिलोंग करता है, तो ये लाइन ऑफ कोड, इसके अंदर जो भी कोड होगा, लेट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट नो गिफ्ट, ओके, ठीक है। तो ये मार्क्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ये मेरी कंडीशन है और ट्रू है कंडीशन, यहाँ पे मेरा मार्क्स लिखा है, ठीक है, मार्क्स मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो मेरी कंडीशन ट्रू है, सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर दे कि देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, या तो अगर मेरा मार्क्स अगर 75 हुआ तो मेरा गिफ्ट मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई गिफ्ट, मेरे कोई गिफ्ट नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए मार्क्स मेरा करंटली 80 है, अभी कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक प्रिंट की स्पेलिंग, हाँ राइट, प्रिंट, ओके, अब मैं रन कराता हूँ इसको, तो देखिए देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, क्योंकि मेरा मार्क्स 80 है, अगर अगर मेरा मार्क्स 75 होता, लेट से, तो नो गिफ्ट, आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं है, ओके, सिंपल सा, समझ में आ गया, सिंपल है कि ये एकदम सिंपल है ना? Yes. ये इफ एल्स Yes. क्या होता है, इस तरह काम करता है, ये मैं आपको सब आगे बताऊंगा, मैं आपको सिंपल सा अभी एक मॉडल बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको कुछ नॉलेज हो कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, ये पूरा बहुत ही, इसके लिए मैं अलग ही पूरा एक लेक्चर दे दूंगा आपको, कि इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिकली इसको मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा कि इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है इसके लिए, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप अभी ये सिंपल सा इतना समझो, ठीक है। अब मैं बोलूं आपसे कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो मैं वोट के लिए एलिजिबल हूँ, नहीं तो मैं वोट के लिए एलिजिबल नहीं। अभी तक मैंने जो सिंपल आपको जितना बताया स्कैन लेना यूजर से, तो आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें क्या करना है, आपको यूजर से इनपुट लेना है, आप बोलो कि आप अपना एज बताओ मुझे, ठीक है,
मैं सिंपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको यूजर से यूजर पे इनपुट दो कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यूजर को इनपुट दो कि इंटर एज, इंटर योर एज, ठीक है, आप यूजर को ये प्रिंट करो. वेट डबल हो गया, इंटर योर एज, ओके, आपने ये प्रिंट करा, आपका जो भी एज होगा, अगर आपका अगर आप वोट के लिए एलिजिबल हो तो आप उसको प्रिंट करना कि यस यू आर एलिजिबल टू एलिजिबल फॉर वोट, एल्स नहीं तो अगर आप उसका एज 18 के ऊपर नहीं है तो उसको प्रिंट कर देना नो नॉट एलिजिबल फॉर वोट. ओके प्रियांशी आपका हो गया? यस सर. सर शुड आई स्पीक? हाँ आप बताइए. यस यस सर, आफ्टर एज वी विल नॉट पुट दैट इक्वल टू. Enter your age. All right. And after? So then equal, then colon mark, sorry. All right. Then semicolon there. Right. Then scanf. Then scanf, okay. Downside, in the next line, in the next line. वहाँ पे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आपका सेमीकोलन लग गया ना तो फिर लाइन टर्मिनेट हो जाता है, वो समझ जाता है. मैं यहीं पे कर देता हूँ. ओके स्कैनर. यस सर. देन इनसाइड द ब्रैकेट. सो हियर आई हैड अ डाउट दैट व्हाट वी विल पुट देयर बिकॉज़ वी वांट एन इंटीजर सो दैट इट इज अ आई. इट इज फॉर बोथ. इट इज आइदर यू पुट आई और डी. इट्स ऑल वर्किंग. ओके ओके सर. सो देन कॉमा देन एज. एज कॉमा एज. यस सर. देन सेमीकोलन. ओके देन सर बिफोर दैट एज एड्रेस मींस वी विल पुट द एड्रेस ऑपरेटर. एड्रेस ऑपरेटर. एड्रेस ऑपरेटर. ओके देन यस सर. ओके लेट मी राइट दैट कोड. ओके इफ एज इज इक्वल टू greater than or equal to 18, then we can say that this is the body, this is the opening body and the closing body. This belongs to this if statement. All right. Then yes. Here we will write print f. Yes, you are eligible to vote. You are eligible to vote. Okay. If you are not greater than 18, then I have told that condition of else. Here you will write print f. You are not eligible to vote. All right, is that will be correct? Yes, sir. So Sudharan, your age. What's your age, Priyanshi? So 14. 14. You are not eligible to vote. All right. If I put my age, yes, I am eligible to vote. All right. अच्छा, let's say मैं प्रियांशी. अच्छा, मैं आप बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, कोई number even है odd है, कैसे check करोगे आप? Programming नहीं, आप mathematics point of view से बताओ, कैसे check करोगे कोई वो number even है कि odd है? सबसे पूछ रहा हूँ question, सब बताओ. सर जो 2 से डिविजिबल होगा. ऑल राइट, तो क्या उसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये है कि नहीं है डिविजिबल? हम लोग क्या चेक करते हैं बेसिकली 2 से डिविजिबल के बाद हम लोग क्या आउटपुट चेक करते हैं कि हम लोग पता चलता है कि ये है कि नहीं? सिर्फ रिमाइंडर इज 0 देन इट इज रिमाइंडर. एग्जैक्टली रिमाइंडर. तो रिमाइंडर के लिए पता है कौन सा ऑपरेटर यूज होता है यहाँ पे? मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग ये ऑपरेटर. ठीक है, ये रिमाइंडर बताता है क्या होता है. जैसे लेट से अगर मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैंने 4 को डिवाइड करा 2 से, ठीक है, 2 2s आर 4
ऑल राइट यहाँ पे जीरो आया, तो ये होता है रिमाइंडर जो कि इसके इस ऑपरेटर के थ्रू पता चलता है, ठीक है। Yes, तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लिखूं, लेट मी इरेज इट, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कंडीशन, इंटर योर एज की जगह मैं लिख देता हूँ इंटर नंबर नंबर, ठीक है, एज की जगह मैं नंबर वेरिएबल लिख देता हूँ, ये अपने ऊपर है, आप इसमें भी दे सकते हो, लेकिन मैं जस्ट सिंपलिसिटी के लिए दे रहा हूँ नंबर यहाँ पे नंबर, ओके। एंड अब मैं चेक करूंगा क्या नंबर मॉड टू, मेरे को डिवाइड टू से करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मेरे को डिवाइड टू से करना है। मैंने क्या किया यहाँ पे चेक किया, क्या नंबर को अगर मैं टू से मॉड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। क्या मैं टू को मॉड करूंगा, सॉरी नंबर को मॉड करूंगा टू से, तो क्या मेरा जीरो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे आप समझना, मैं आपको समझाता हूँ वापस से। यहाँ पे नंबर क्या, लेट से नंबर यूजर ने इनपुट दिया मेरा एट एट, ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ नंबर मॉड टू, नंबर ये नंबर है इसको मैं टू से मॉड करूंगा, तो सिंपली मैं डिवाइड करूंगा और यहाँ पे टू थ्री सॉरी टू फोर्स आर एट मीन जीरो, ये रिमाइंडर इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो मॉड्यूलो दिख रहा है आपको इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मॉड्यूलो की जगह मैं यहाँ पे नम डिवाइड बाय टू लिखता तो किसको करस्पॉन्ड करता, इक्वल टू जीरो लिखता तो किसको किसको रिलेट करता है, अगर मैं ये लिखा होता, ये वापस से लिख देता हूं मैं, आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है, ये हाँ नम डिवाइड बाय टू इक्वल टू जीरो, तो ये किस वैल्यू को इस इक्वेशन में से किस वैल्यू को देखता है, यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा हूं मैं किस वैल्यू को चेक करता है कि जीरो है कि नहीं, ठीक है। आप लोग डिवाइड करते हो तो यहाँ पे चेक करते हो कि किससे डिविजिबल है ना, डिवाइड करते हो चेक करते हो कि किससे डिविजिबल है, लेट से आप आठ देख रहे हो तो एट किससे डिविजिबल है, तो चेक करते हो कि किससे डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह मॉड्यूलो में आप चेक करो क्या रिमाइंडर, इसकी बात करते हो, मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और इसका मतलब डिवाइड होता है, ये होता है, ये सिंपल जो आपका कीबोर्ड में होता है डिवाइड, ओके, समझ लो, इस बात को ध्यान समझे कि आके आपके चल के प्रोग्रामिंग बहुत काम आने वाला है ये, ओके, समझ में आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना मुझसे, ठीक है सर। आप डबल इक्वल क्यों लगाए, सब मैं बताऊंगा, ठीक है, डबल इक्वल टू क्यों लगाते हैं, सिंगल इक्वल टू क्यों लगाते हैं, मैं सब बताऊंगा। अगर मैं सिंगल इक्वल टू लिखता तो ए इक्वल टू मैं बी लिखता, अगर मान लो मैं कंडीशन है, तो ये बताओ ये मेरा इक्वल टू चेक कर पाता, ये तो मेरा असाइन करना है बी के अंदर जो वैल्यू, इसको इसको ए में असाइन करना है ना, तो इसलिए मैं कंपेयर करना होता है मुझे ना, तो मैं डबल इक्वल टू लगाता हूँ, ऑलराइट, वो आगे चल के मैं आपको क्लियर कर दूंगा एकदम क्यों होता है, ओके। तो अगर ये टू से मॉड हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपल इवन इवन नहीं तो ऑड, एल्स वाले कंडीशन में ऑड, अगर टू से डिवाइड करा, अगर रिमाइंडर मेरा वन बचा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑड, ये इफ के अंदर आएगा यानी ऑड, ओके। अब मैं इसको रन कराता हूँ, इंटर नंबर मैंने लास्ट से दिया 19 ऑड है, तो मैं एंटर किया इसको, देखिए ऑड आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने प्रिंट किया, मैंने कोई नंबर दिया 12 दिया, लास्ट से 12 इवन नंबर है, तो प्रिंट को एंटर किया तो इवन आ गया मेरे पास, है ना, है ना, इजी, कोई हार्ड है? Yes, कहीं कोई भी डाउट है कुछ तो पूछिए। नो सर, ठीक है। अब इसका लॉजिक आप समझिएगा, अब यहाँ पे एल्स इफ क्या होता है देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मेरा क्या हुआ, पहले मेरा परसेंटेज, लेट से मेरा परसेंटेज कैलकुलेट, तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, पहले प्रिंट एफ परसेंटेज इक्वल टू कॉमा पी आर, लाइन चेंज कर देता हूँ मैं, ओके। ये लाइन चेंज करने के लिए लिखा मैंने, पता है ना आपको, ताकि जब ये इसमें से कोई भी वैल्यू प्रिंट हो वो लाइन दूसरी लाइन में प्रिंट हो, नहीं तो एक लाइन में प्रिंट कर देगा, ओके। मैं वापस से करता हूँ, पहले में उसका 80 मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट में 70 मार्क्स, फिर लेट से 90, फिर 65, लेट से 75, पांच सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया, इसका परसेंटेज 76 हो रहा है, ओके, और उसको ग्रेड सी मिल रहा है,
अब यहाँ पे देखिएगा आप इस कोड में क्या हो रहा है, आप ये समझिएगा। सबसे पहले इसको इसने यहाँ पे कोड मेरा एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे मेन फंक्शन पे आया, उसने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके बाद उसमें यूजर से इनपुट लिया, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स उसने इनपुट लिया, उसके बाद उसने परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करा, ए बी सी डी ई, ओके ए बी सी डी ई जितना टोटल 5 सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट में जितना आएगा उसको अपॉन 5 कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है ना। अगर मैं करता हूँ टोटल मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इन 200, है ना, ये करता हूँ मैं 100, ऑलराइट 100 होता है, तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरा कितना जितना भी हो रहा है, लेट से एक्स हो रहा है, और मेरा मैक्सिमम मार्क्स 500 है, इन 200 किया हूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट कर दूं, तो ये मेरा अपॉन डायरेक्टली 5 करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। इसलिए मैंने डायरेक्टली 5 किया है, मैंने कुछ 100 से इंटू नहीं किया। अगर मैंने वो इंटू अपॉन 500 कर किया होता तब मेरे को 100 से इंटू करना पड़ता, समझ में आ गया, ये बात समझ में आई, ये फॉर्मूला ये वाला ना। हाँ ठीक है, यस सर, ओके ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो उसका परसेंटेज लेट से आया 76, तो सबसे पहले इस कंडीशन पे आए वो, ये देख रहे हैं क्या परसेंटेज आपका ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, लेकिन नहीं, उसका परसेंटेज तो 76 है, तो इस लाइन के अंदर नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये यूज नहीं करा है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे मैंने यूज नहीं करा है, क्यों इसका रीजन नहीं है कुछ, अगर आपके पास सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर अगर एक ही लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, आपके अंदर, और जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, प्रिंट फंक्शन है, अगर यहाँ पे मेरा और कुछ है, यहाँ पे लेट से मेरा कुछ और डिक्लेयर किया है मैंने, या फिर इसके अंदर एक और इफ लगाया है ना, तब मेरे को इस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, इस ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है इसी प्रोग्रामिंग में। और अगर मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड है, तो सिर्फ मैं इंडेंटेशन दे करके, इंडेंटेशन मतलब कि ये स्पेस होता है, वन टैप स्पेस, जो पाइथन में इंडेंटेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, ये फोर स्पेस होता है, ये मैं दे करके डायरेक्टली प्रिंट कर सकता, डायरेक्टली लगा सकता हूँ, मुझे कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया ये बात। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन आया इसके पास आया क्या देखा, इसका परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, लेकिन ये परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 90 है, ये 76 है, तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट, ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर ये इसके पास आ जाएगा, else if के पास आ जाएगा। ओके, फिर else if के पास आया, अगर मेरा परसेंटेज इससे बड़ा नहीं है, तो फिर मैं ये चेक करूंगा, मैं ये बेसिकली इस तरह है कि क्या आपने इतना नंबर पाया, नहीं तो क्या आपने इतना नंबर पाया, इस तरह है। यहाँ पे देखिए चक्कर है कि क्या मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, लेकिन नहीं, अभी भी वो 76 है, तो मेरा इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, और अगर मेरा यहाँ फिर इसके पास आया, ये else if वाले कंडीशन, थर्ड else if के पास आया, ये फिर चेक किया क्या परसेंटेज मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो हाँ ये इसको करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 76 परसेंटेज की वैल्यू है और 76 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है ना। यहाँ पे परसेंटेज में बेसिकली क्या यहाँ पे पुट हो रहा है, यहाँ पे 76 पुट हो रहा है, 76 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, करेक्ट? यस हाँ करेक्ट है ना। तो फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, ग्रेट सी प्रिंट कर दिया, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा आपका, ये लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कंपाइलर, क्योंकि एक बार इस ये else if का मतलब यही होता है कि जो आप इफ लिख रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप else if लिख रहे हो, तो वो तब तक कंडीशन चेक करते जाएगा जब तक एक भी कंडीशन फॉल्स रहती है। तो लेट से अगर यहाँ पे आया, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला else if पार्ट यूज करेगा, ठीक है, ये भी अगर फॉल्स हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये भी अगर फॉल्स हो गई तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये भी अगर फॉल्स हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये भी अगर तो फिर else पार्ट में आएगा, आपका प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब else तो एग्जीक्यूट होगा अगर जब ये पूरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, तो जो भी पूरी कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो रही है तभी मेरा else एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से अगर मेरा यहाँ तक फॉल्स हो रहा है और ये कंडीशन मेरी सिर्फ ये वाले ट्रू हो जा रही है, तो उसके बाद मेरा सिर्फ यही प्रिंट करेगा, लेकिन चेक इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यहाँ पे ट्रू मिल गया मेरे को कंडीशन, तो फिर उसके बाद मेरे को ये एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, कंपाइलर समझ जाएगा कि एक कंडीशन मेरे को मिल गई है, इसके बाद मुझे ये एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, सिंपल से मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर ये प्रिंट करके ग्रेड सी प्रिंट करके ये इस लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 लाइन पे, देख रहे हो आप 25 लाइन पे आ जाएगा ये यहाँ पे, और उसके बाद मैं रिटर्न करके एग्जिट करके एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। ऑलराइट, समझ में आ गया? यस, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर, कोई डाउट नहीं है ना। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड प्रोग्राम पे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। So that else if matter is not clear little. Okay, क्या क्लियर नहीं हुआ है आप मुझे बताइए।
So means how it functions exactly, else if. Okay, okay, मैं फिर से बताता हूँ आपको. Else if का बेसिकली मतलब ये है कि आप if जो लिखा है ना इसके corresponding आपका else है. Let's say अगर मैंने ये नहीं लिखा होता, let's say मान लीजिए अगर मैं ये नहीं है मेरे पास, तो मैंने if और else आपको बताया कि अगर ये condition true हुई मेरी तो ये else execute नहीं करेगा, नहीं तो फिर अगर ये condition अगर मेरी false हो गई तो मेरा else execute करेगा. ये आपको समझ में आया था? Yes sir. है ना, तो अगर मैं सेम इसी तरह else if क्या है, अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ठीक है, नहीं तो मतलब आप एक बार फिर से बताता हूँ आपको यहाँ पे वापस. ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, अगर अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा पूरा पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने else if लगाया. else मतलब अदरवाइज, सिंपल समझो कि अगर ये ट्रू हो रहा है नहीं तो ये करना है, अदरवाइज इफ यू विल पे मी 500 rupees देन आई विल टीच यू समथिंग, ओके इफ यू नॉट पे मी देन आई विल नॉट टीच यू, समथिंग लाइक दैट. समझ में आ रहा है? ये अदरवाइज है. एल्स मतलब समझिए अदरवाइज, ये अगर ये कंडीशन फॉल्स है. अगर क्या मैंने चेक करा है, मैं आपको हिंदी वर्ड में हिंदी में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है तो मेरे को प्रिंट करना है ग्रेड ए. ये अभी भूल जाएगी, प्रिंट करना भी है. अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है, मैंने चेक किया कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है, नहीं तो मैं उसे एक नीचे कंडीशन पे आऊंगा कि फिर क्या देखूंगा, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, मतलब 90 नहीं है तो क्या 80 के ऊपर है, तो देखा 80 के ऊपर भी नहीं है तो फिर मैं इसके नीचे आया वापस से कि क्या मैं देखा क्या मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है. हाँ मेरा 70 है, मेरे 76 है, तो मैं समझ गया ओके कि मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो मुझे इसको प्रिंट कर देना है. और उसके बाद मैं ये कंडीशन सारी चेक ही नहीं करूंगा, ये जितनी भी कंडीशन है ना ये मैं चेक ही नहीं करूंगा. सिंपल, अभी समझ में आ गया? यस सर. पक्का ना? अगर डाउट हो तो फिर पूछे, मैं फिर बताता हूँ, कोई बात नहीं. नो सर, क्लियर. ओके तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम बताऊं आपको. यस सर. हां पूछो सर, वहां हम लोग प्रिंट f को टाइप कर रहे हैं, केवल प्रिंट क्यों नहीं? ये फंक्शन है, ये मतलब c में डिफाइंड है ऐसा कि आपको प्रिंट कुछ करना है तो प्रिंट f लिखना पड़ेगा. प्रिंट f का फुल फॉर्म होता है प्रिंट फॉर्मेटेड. ओके ये एक फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है. फंक्शन क्या होता है, लेट्स से अगर ये देखो आप देख रहे हो ये मेन फंक्शन है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ये एक मेन फंक्शन है. मेन की बॉडी यहाँ से यहाँ ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है. इस तरह प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है जो कि पहले से डिफाइन हुआ है सी की लाइब्रेरी में कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे कुछ मॉनिटर पे प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे ये यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मैं सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट या इनपुट चाहिए. स्टैंडर्ड आउटपुट मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए स्टैंडर्ड आउटपुट है मॉनिटर. स्टैंडर्ड इनपुट क्या है मेरे लिए, स्टैंडर्ड इनपुट है मेरे लिए या तो कीबोर्ड या तो माउस. ओके तो प्रिंट एफ है मेरा प्रिंट फॉर्मेटेड. ठीक है, ये हर एक लैंग्वेज का अपना अपना होता है. अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो आप समथिंग लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंट. ठीक है, आप इस तरह कुछ लिखते हो अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो, ये STEM. ठीक है, कुछ आप इस तरह लिखते हो तो आप बोलो कि ये इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, सिर्फ प्रिंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से डिफाइन किया हुआ है. जो जिसने लैंग्वेज बनाया है ना वो उसने इस तरह से पहले डिफाइन किया हुआ है कि आपको कुछ प्रिंट करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा. ये एक पूरी लाइब्रेरी होती है, पूरी लाइब्रेरी जो कि स्टोर होती है यहाँ पे stdio.h नाम की फाइल में स्टोर होती है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरे को इंक्लूड करना पड़ता है stdio.h. ओके अगर मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिखा जाता है पाइथन में, है ना. पाइथन अगर किसी ने पढ़ा हो तो पता हो उसको कि वहां पे कुछ भी प्रिंट करना हो तो प्रिंट लिखा जाता है सिर्फ मेरे को, क्योंकि पाइथन में उस तरह का वो डिफाइन करा गया है. और यहाँ पे सी में इस तरह का डिफाइन करा गया कि प्रिंट एफ लिखना है, मतलब प्रिंट फॉर्मेटेड. अब फॉर्मेटेड में बहुत कुछ हो सकता है, चाहे आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो या फिर यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हो. इंटीजर प्रिंट करने के लिए हम लोग परसेंटाइल डी लगाते हैं, उससे समझ में आता है प्रिंट फंक्शन की ओके मेरे को इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है. ओके इसी तरह कैरेक्टर कुछ प्रिंट करना हो तो परसेंटाइल सी लगाते हैं हम लोग. ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी. अभी मैंने सिर्फ इंटीजर के बारे में बात किया, मैं कैरेक्टर पे आया नहीं हूँ अभी. ओके तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ. सेकेंड प्रोग्राम क्या था, कोई बताएगा मुझे? Sir, to find maximum between two numbers. Maximum between two numbers. Okay. मैं इसको हटा देता हूँ. Enter two numbers. ठीक है, और ये सारा हटा देता हूँ. A और B. A और B के अंदर मैं store कर दूँगा सिर्फ दो value. इनके सिर्फ ये type हटा देता हूँ. And B. Okay. दो value आ जाएगी मेरे अंदर इसके बाद. अब मैं क्या करूँगा? क्या condition लगा सकता हूँ? कि लेट से मेरी एक वैल्यू ए में असाइन है, एक वैल्यू ए, एक वह है ए उसके अंदर कुछ असाइन है और एक बी है उसके अंदर कुछ असाइन है. ओके तो मेरे को क्या चेक करना है, अगर लेट से यहाँ पे 10 असाइन है, यहाँ पे लेट से 20 असाइन है,
तो मेरे को चेक करना है कि क्या 10 इससे बड़ा है, 20 से बड़ा है। अगर 10 20 से बड़ा है तो मेरे को प्रिंट कर देना है कि 10 बड़ा है, अगर 20 बड़ा है तो मेरे को प्रिंट करना है 20 बड़ा है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरह अगर मैं कंडीशन चेक करना होता है मुझे तो किस तरह करता हूँ? अभी मैंने परसेंटेज के लिए बताया, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 90, ठीक है, मैंने ये किया था कुछ इस तरह का 90, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले सकता हूँ, वेरिएबल में डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ, लेट्स से ओके इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इफ इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैं प्रिंट कर दूंगा ए कि यहाँ ए की वैल्यू पड़ी है, प्रिंट एफ करके यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। नहीं तो पक्का दो वेरिएबल है तो पक्का बी बड़ा, ए बी से बड़ा नहीं है तो पक्का ये कंफर्म है कि बी ए से बड़ा होगा, है ना, राइट? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर। इसके अंदर आप कोई भी अपना पर्सनल मैसेज दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको यही मैसेज लिखना है, ठीक है, या आपके ऊपर होता है कि आपको क्या यूजर को मैसेज दिखाना है। ओके, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर, और मैं ए की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो पक्का बी ए से बड़ा होगा, तो एल्स प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर परसेंटाइल डी। ओके, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ओके। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, इंटर टू नंबर्स, लेट्स से मैंने नंबर दिया 50 और 20, कौन सा बड़ा है? 50 बड़ा है पक्का, ए के अंदर 50 स्टोर होगा, बी के अंदर 20 स्टोर हुआ होगा, तो पक्का वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करना चाहिए। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन ग्रेटर, 50 वैल्यू ग्रेटर है, ओके। अगर मैं इसी तरह अगर ए के अंदर मैं 20 देता हूँ और बी के अंदर लेट्स से मैं 30 देता हूँ, तो अभी बी की वैल्यू ग्रेटर है तो मेरे को बी प्रिंट करना चाहिए, ये वाला पार्ट प्रिंट करना चाहिए, ये वाला, ओके। तो देखते हैं क्या आता है, वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर 30, राइट, सही है, बिल्कुल सही है, इंटरेस्टिंग है। दोनों इक्वल हो तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ओके, दोनों इक्वल हो तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, दोनों इक्वल है तो मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एल्स इफ, यहाँ पे मैं कंडीशन और लगा दिया, एल्स इफ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट प्रिंट एफ बोथ आर इक्वल, ऑलराइट, और इसको मैं एल्स कंडीशन में डाल देता हूँ, एल्स बी एल्स बी इज ग्रेटर, ओके। अब मैं प्रिंट वापस प्रिंट करता हूँ, ओके समथिंग इज रॉन्ग, और प्रिंट एफ टू नंबर्स 20 दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल कर रहे, सिंपल है ना, एक सिंपल से मैंने कंडीशन और ऐड कर दी, है ना, ओके, इंटरेस्टिंग था ये। सर वहां पे डबल इक्वल टू लगाना जरूरी है? डबल इक्वल टू लगाना जरूरी है क्योंकि सिंगल इक्वल टू में आप असाइन करते हो वैल्यू, ठीक है। अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू 50, ओके, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए में 50 असाइन कर रहा हूँ ना, ये 50 वैल्यू को मैं ए में असाइन कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे ए इक्वल टू बी लिखता, मतलब बी की वैल्यू मैं ए में असाइन कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बी की वैल्यू ए में असाइन कर रहा हूँ। ये ऑपरेटर्स होता है, मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा, तो इसको पूरा एकदम क्लियर डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, पूरा एक दो लेक्चर में दे दूंगा इसमें आपको कि कैसे क्यों हो रहा है ये, एक्चुअली कैसे काम करता है ये सब, ओके। ये कुछ हार्डवेयर यूज करता है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आप अभी आपका उतना मेंटल लेवल उतना नहीं है। अगर आप 11th 12th में हो तो आपने कुछ लॉजिक गेट्स करके पढ़ा होगा, एंड गेट्स और गेट्स ऐसे करके, अगर आप 11th 12th में हो तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अगर आपने,